ये जो राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया था न्यूनतम आय योजना, उसको लेके मोदी जी और उनकी पार्टी के ऊपर परेशान हैं और उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं, राहुल जी पे भी और कांग्रेस पे भी। जहाँ जाते हैं वो तुकबंदी हैं और कुछ कुछ हरी टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि तो जो आदमी बौखला जाते हैं तो फिर वो क्या कहना चाहते हैं उसकी बजाय गुस्से में वो बातें निकलती हैं जो कि टिप्पणी हम लोग पसंद नहीं करते। वो स्थिति उनकी बन गई है। अब जिस प्रकार से उन्होंने 40 मिनट इंतजार करवाया देश को कि मैं आपको बहुत जल्दी एक सूचना देने वाला हूँ, महत्वपूर्ण खुदा पहाड़ निकली चुया जो कहावत पुरानी, पूरा देश हतप्रत रह गया कि ये हमें क्यों इंतजार करवा दिया। लोग तो बड़े आशंकित हो गए, भय में आ गए कि पता नहीं आर को और नोटबंदी हो रही है या पता नहीं क्या घोषणा कर देंगी। पता पड़ा ही लोगों को, और बातें वो बोली जो DRDO के खुद के डायरेक्टर बोल सकते थे। ये 35-40 साल लगे हैं इसरो की स्थापना करने में। वैज्ञानिक सोच जो पंडित नेहरू की उस जमाने में थी, इंदिरा जी के वक्त स्थापना हुई, 35-40 साल लगे हैं इसरो बनने में। वो ऐसा परेड करते थे कि उनके आने के बाद में ही सब कुछ हो रहा है, 100 उपग्रह छोड़े जा रहे हैं और ये साइंटिस्टों ने एक नई उपलब्धि कर ली है। ये इस प्रकार से हर चीज को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ये तमाम चीजें 4.5 साल जो भी समय लगभग 5 साल इनके कार्यकाल की उपलब्धि ही हो, उस रूप में ये हर चीज को प्रस्तुत देश के सामने कर रहे हैं और इनकी ये पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है। और इनको भ्रम है अभी ये हवा में उड़ रहे हैं, ये इनकी पार्टी के लोग, इनके नेता लोग ये समझ बैठे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि असली जान चुके हैं कि जुमलेबाजी करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर वादे करते हैं वो झूठे साबित होते हैं, उन वादों को भूल जाते हैं, नए वादों पर ये बात कहते हैं अपनी। और उपलब्धियां क्या रही देश के सामने ये 5 साल की, उस पर कोई बताते नहीं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ जनता अब समझ चुकी है कि ना 15 लाख रुपए आए, ना अच्छे दिन आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और ना काला धन आया, जो इनके मेन थीम थीम की उन्हें पूरी तरह फेल हो गई। और मेरा मानना कि जो न्यूनतम आय योजना लागू करने की जब घोषणा करी राहुल जी ने, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं 15 लाख का वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये असली वादा कर रहा हूँ जो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करके दिखा देंगे इसको, जिसमें 72,000 रुपये प्रतिवर्ष 20% जनता को मिलेंगे जो बिल्कुल ही गरीब होगी। हमारे वो शुरुआत कर रहे हैं, वो तो फर्स्ट फेज होगा, उसमें और आगे फेज बढ़ेंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति को कम से कम 72,000 पर ईयर मिले, 3,60,000 होते हैं 5 साल के। इस प्रकार से एक स्कीम जो है उन्होंने सोशल जस्टिस कह दिया उसको, मेरी दृष्टि के अंदर दुनिया के विकसित राष्ट्रों में ये स्कीम इस रूप में नहीं है, ये पहली बार राहुल गांधी जी लेके आए हैं। वह और तरीके से सोशल सिक्योरिटी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि कोई इंसान जो है बुजुर्ग भी है या जरूरतमंद है, रोजगार नहीं मिल पा रहा तो उनको वीकली पैसा मिलता है, आप मेरे पे जो मालूम होगा वहाँ वीकली पैसा मिलता उन लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये भी एक प्रकार से उससे बढ़कर के स्कीम है और ये होना भी चाहिए। आज हम लोग 21st सेंचुरी पहुँच चुके हैं, 21वीं सदी का नारा दिया था राजीव गांधी जी ने, उस पर लोग समझे नहीं, फिर बाद में जब ये कंप्यूटर आए, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गए, तब मालूम पड़ा कि राजीव गांधी क्या चाहते हैं, राजीव गांधी चाहते क्या थे मालूम पड़ा। तो उसी रूप में राजीव गांधी ही चाहते थे कि नई शताब्दी में जाए तो हम लोग भी विकसित राष्ट्रों
डॉक्टरों की श्रेणी में कैसे आए, हम इस तैयारी के साथ में जाए 15 साल बचे हुए दोस्तों में, इतफाक की बात है कि 15 साल जब नई शताब्दी लागू होगी तब तक हम लोग ऐसी तैयारी कर लें, मेहनत करके जीते कि नई शताब्दी जो बीते 100 साल की, उसके दरमियान में हिंदुस्तान भी खाली डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे, डेवलप कंट्री बन जाए। उसी रूप में मैं इसको देखता हूँ कि अब जमाना आ गया है कि एक मजदूर आदमी जिंदगी में मजदूरी करता है, जब उसका शरीर साथ देते रहता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति बन गई है कि हम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, जो कि दुनिया के विकसित राष्ट्र देते हैं, और उसी रूप में इसको देखा गया है। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस हमेशा ठोस काम करती है, जो कहती है वो करती है, ये जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं मीडिया के साथ में कहना चाहूँगा कि सच्चाई को उजागर करना भी हमारा सबका कर्तव्य, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। होता क्या है, पिछली बार जब नरेगा लेके आए, जो कि वो भी एक प्रकार से विश्व के अंदर पहली योजना थी जो गारंटी दे रही थी आदमी को, और मैं तो अनुभव रखता हूँ बचपन से कि जिसमें नरेगा के पहले लोग जैसे ही मानसून धोखा देता उनके चेहरे लटक जाते थे, अब क्या होगा, काम मांग के फिरते थे, काम खोलो, पीने का पानी मनुष्य और पशु के लिए कहाँ से आएगा, चारा कहाँ से आएगा, मजदूरी कम मिलती थी तो उसके अपने लिए लगती थी ज़्यादा मजदूरी, तो पूरा पैसा मिला नहीं, न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ में, वो तमाम तरह की बातें जो है एक स्कीम लाने से ख़त्म हो गई, एश्योर हो गया मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई खेतों के अंदर भी, ट्रैक्टरों में भी, क्योंकि जब मजदूर मिलते ही नहीं है तो जो उसको 100 रुपये देते थे उनको 200 रुपये देने पड़े, 300 रुपये देने पड़े, ये इस प्रकार का फायदा मिलता है। और उस पर क्या कहा गया, तो ये तो कांग्रेस जो है ये महंगाई बढ़ने का कारण ये कि पैसा लुटा रही गरीबों को, नरेगा लेके आ गए, फूड सिक्योरिटी लेके आ गए, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, जो जो वेलफेयर स्कीम लागू करी हमारे यहाँ की स्कीमों को, तो रेवड़ी बताया गया, रेवड़ी बट रही राजस्थान के अंदर, दवाएं नहीं है, जहर बट रहा है, ये सब किए गए। पर आज मैं कहना चाहूँगा आपको, जैसे ये योजना लेके आए नहीं, इस योजना के माध्यम से जो पैसा जाएगा गरीब की जेब में, वो पैसा खर्च होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और ये परचेजिंग पावर बढ़ती है हमेशा, नरेगा के अंदर भी ऐसा हुआ, तो उससे एक्टिविटी बढ़ती है, जब कोई परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ें खरीदता है, उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ता है और चक्र घूमता है विकास का, ये फायदा होता है। परंतु इन बातों से इनको मतलब नहीं, चुनाव जीतने से इनको मतलब है, इसलिए क्या करते हैं लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, लुटा रही है लोगों को पैसा, लुटा रही है, और भ्रम पैदा करते हैं महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस लुटा रही है हमारे पैसे को चुनाव जीतने के लिए, जबकि हो लुटा रहा है, ये लोग चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं और गरीब को न्याय देने में अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। हम तो इसकी इस रूप में देखते हैं कि आज सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, सबके मुंह पे ताले लग गए हैं, और आप समझ लो कि कोई बोलता है तो देश द्रोही होता है, वो आप सरकार की आलोचना कर तो देश द्रोही बन जाते हैं। इतना भय है कि लोग टेलीफोन पर बात नहीं करते हैं, मोबाइल के हैं तो व्हाट्सएप बात करते हैं, लैंडलाइन में बात करते हैं, कहने लग गए हैं ये नौबत क्यों आ रही है। तो एक इंसान को अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो है जो आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी की आलोचना करो, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आज तक की परंपरा 70 साल यही रही है, मोदी जी ने उस परंपरा को तोड़ दिया है, हिंसा हो रही है, घृणा हो रही है देश के अंदर, लिचिंग के नाम पर निर्दोष आगे मारे जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने वादा किया वो निभाया है, बताए जनता को। तो ये बातें आपसे, दूसरा जो हमने देश में पहला राज्य जिसने
जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए जो हमने मॉडल जारी किया उसका बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि एक नौजवान को सारी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी जो राज्य की है, लैंड चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली अप्लीकेशन सूचना के लिए देनी पड़ेगी कि मैं यूनिवर्सिटी लगा रहा हूँ। 3 साल तक उसको कोई नहीं पूछेगा, तो कम से कम उसका हौसला बढ़ेगा काम करने का। ये जो योजना हम लोगों ने लागू की है ऑर्डिनेंस के जरिए, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और न्यूनतम गारंटी योजना जो राहुल जी ने कहा है, इसको कांग्रेस और नेतृत्व, अभी वर्किंग कमेटी हुई थी दिल्ली के अंदर, उसको उसको सीरियस लिया गया और मैनिफेस्टो में उसको मुख्य मुद्दा बनाने का तय किया गया। एक जो राइट टू हेल्थ, ये पॉइंट भी राहुल गांधी जी बराबर बोल रहे हैं कि हर इंसान को स्वास्थ्य की गारंटी मिलनी चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब इलाज नहीं करवा सकता। हमने उस दिशा में बहुत कदम उठाया, जिसको हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 5 साल से देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं तो वो राजस्थान की मेडिकल फ्री मेडिकल की स्कीम को अप्रिशिएट करते हैं, और इस स्कीम को हम भी चाहेंगे और ज़्यादा मजबूत राजस्थान में करें। अभी हमने उसमें कैंसर, हार्ट और किडनी की दवाएं भी जोड़ी हैं, और यहाँ हम लोग रुकेंगे नहीं और ज़्यादा कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। जयपुर में SMH के अंदर आज सीनियर सिटीजन का CT स्कैन और MRI भी फ्री होता है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में ऐसी स्थिति बने जहाँ 6,000-8,000 रुपये लेते हैं लोग, वो फ्री कैसे हो सकता है। तो ये मेडिकल शिक्षा और ये आपका स्वास्थ्य, दो चीज़ों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे राजस्थान के अंदर। बाकी काम तो बिजली, पानी, सड़कें, तो चलते ही रहेगा, विकास को चक्र चलता रहेगा। तो दो इश्यू ऐसे जहाँ पर अगर जो आबादी पढ़ लिख जाती है जिस प्रदेश की या देश की, वो प्रगति स्वयं कर लेता है। स्वास्थ्य अच्छा रहे व्यक्ति का, एजुकेटेड हो, तो फिर आज दुनिया जो है ग्लोबल जो बुरा है वो गांव की तरह हो गया है, फिर वो रास्ता निकाल लेता आगे बढ़ने का। तो इस दिशा में हम लोग जोड़ देंगे, ये मैं निवेदन करना। भाई हमने जो फैसले किए वो आपको भी भेजे जाते होंगे, परंतु फिर भी जो है हम लोग एक नोट देंगे आपको जो फैसले किए हैं, तो वो उसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 2 महीने में इतने फैसले, खाली फैसले नहीं हुए, फैसले लागू हो गए। फैसला करने में, लागू करने में रात दिन का फर्क है, वो भी हमने किया है। आप लोग उसको अप्रिशिएट करोगे और आप उसको अपने तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने सरकार बनते ही बड़े बड़े फैसले किए और कम समय में किए, लागू कर दिए। बीजेपी वाले जो बोलते हैं 100 दिन में कुछ नहीं किया, या जो उनके जुमले आते रहते हैं, आपकी मजबूरी का आपको छापते रहते हैं, आप भी छापते रहते, क्योंकि मजबूरी होती है कि कहते हैं कुछ छापो की बात नहीं, तो ये तो चलता रहता। पर आपको ये भी तय करना पड़ेगा मीडिया के परिवार के लोगों को कि सच्चाई किनके साथ में, सच्चाई के पुट भी उसमें आना चाहिए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। ये तो आरोप हमारा उनके ऊपर है, आपने सिर्फ 50,000 रुपये देने की बात करी, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। 8,000 रुपये की बजाय 2,000 रुपये, 2,000 करोड़ रुपये दे के रह गए, 6,000 करोड़ का भारी हमारे पे डाल दिया। हमने तो ऋषि बैंक के भी, भूमिकर बैंक के भी सब कर्जे माफ कर दिए, छोटे बड़े सब माफ कर दिए, 50,000 की लिमिट भी खत्म कर दिया। इसलिए उनकी बातों पे मैं समझता हूँ कि आपका रुख देखेंगे वो, कि सच्चाई लिखने वाले लोग हैं, सच्चाई लिखते हैं,
तो फिर अगली बार वो समझ जाएंगे कि इनको सब मालूम है। उनको भ्रम है कि आपको मालूम है, आपको सब मालूम है, मालूम है। आडवाणी जी का टिकट काट के अमित शाह जी ने टिकट ले लिया है उमा भारती ये ने क्या है मेरा। कि कांग्रेस मुक्त भारतीय बात करते करते अपने नेताओं को मुक्त कर दिया। कांग्रेस मुक्त तो भूल गए, अडवाणी मुक्त, बोली मोनी जोशी मुक्त, वो करने लग गए। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास और नकवी को भी टिकट नहीं दिया, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं पर शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी जी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब उनको मालूम पड़ेगा उनका टिकट इसलिए काटा गया है, जिन्हें पूरे देश के अंदर मैसेज दे रहे हैं हम लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, जैसे कि पूरा मुल्क जो है उसके उसको राष्ट्र प्रेम से कोई संबंध नहीं है, खाली RSS और BJP कोई संबंध है, हमें संबंध नहीं है। इसलिए ऐसे दोनों नेताओं को जब उनको देख लिया है कि ये पार्टी की सोच क्या है, तो उस पार्टी बने रहने के तुक त्याग होगा। सर एक ये कह रहे हैं लगातार 30 लाख किसानों को किसान सहयोग निधि की राशि 2-2 हजार रुपए जो देने की बात कर रहे हैं कि राजस्थान से लिस्ट ही नहीं गई है लगातार बीजेपी। ये देखिए ये वो भी अपनी जिम्मा होगा, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी राज्यों के अंदर प्रदेश के अंदर जो लिस्ट नहीं भेजेगी। लिस्ट उनकी जो गई नकली लिस्टें गई थी, उनको नाटक करना था, इसलिए अपने राज्यों से उन्होंने फर्जी आंकड़े मंगा लिए खाली किसानों के नाम से, किसानों की गिनती के नाम से। पूरी फॉर्मेलिटी होती है, आधार कार्ड से तस्दीक होकर फिर जाते हैं। 2 हजार रुपये रोकेगा क्यों, क्यों रोकेंगे, हम तो 24 हजार रुपये दे रहे हैं। वो कंपेयर हम लोग नहीं करें, ये भी मोदी जी की और BJP चाल है कि 2 हजार दे रहे थे वो, 6 हजार एक साल के हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं किसानों का। आपको मालूम है कभी हमने लघु और सीमांत किसानों की भी पेंशन कर दी है जो पहले नहीं थी। इसका मतलब हुआ कि 750 किया और 7,500 किया, पति पत्नी तो 2 हजार मिलेंगे उनको। तो 2 हजार का मतलब क्या हुआ, 24 हजार रुपये, 24 हजार रुपये दे रहे राजस्थान सरकार, 18 हजार दे रही अगर उम्र कम है तो, वो दे रहे 6 हजार। कहीं हम कंपेयर नहीं कर लें, उनके आलोचना नहीं करते, इसलिए बचाव करने के लिए पहले आरोप लगा दो। ये उनकी ये जो तिकड़म उनकी है, ये तिकड़म बाद लोग हैं, कहना चाहिए तिकड़म बाद लोग मार्केटिंग को चर्चा करते हैं। ये नेता जो है ना, चाहे राजस्थान में देखता हूँ, चाहे राष्ट्र में देखता हूँ, ऐसे बात बोलते हैं मार्केटिंग के लिए, इसमें कोई सच्चाई होती नहीं है। और राहुल गांधी ऐसा इंसान है जो झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए क्या है कि वो उनको आप देख रहे हैं उनके षड्यंत्र करके मोदी जी घबराते किससे हैं, सिर्फ राहुल गांधी से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। मोदी जी कहते हैं कि जो जो आरोप लगाते हैं गुस्से के अंदर, और राहुल गांधी वो जाके गले मिलता है। अब गले मिले हैं कोई कभी, मैं इनको गुस्सा आता गुस्सा निकालने के गले मिला हूँ, बताइए आप। मित्र तो प्यार से मोहब्बत से भाईचारे राजनीति हो, वो घृणा की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं। दोनों फर्क आपको समझना पड़ेगा और देश को बताना पड़ेगा। और मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट मत कर रहा हूँ उससे। ये तो आप मौका लगे राजस्थान का कैंपेन होगा तो सर आप ज्यादातर कहाँ रहेंगे, पूरे राजस्थान में या जोधपुर में? जोधपुर में अब वैभव जी लड़ रहे हैं और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका बायोडाटा पढ़ रही थी, तो जिस साल आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा था उसी साल उनका जन्म हुआ था 1980 में, जिस सीट को आपने 5 बार रिप्रेजेंट करी, तो आप काफी कुछ जोधपुर में करेंगे या उनको अपने आप करने देंगे? अपना भी करने की जो नेता बनना चाहता है और जो उम्मीदवार होता है वो उनको खुद को दमखम के साथ उतरना चाहिए मैदान में, तो मुझे यकीन है कि वो दमखम के साथ उतरेंगे। राजस्थान कितनी सीट अपेक्षित है? जब मिशन 25 की बात करते हैं तो फिर सीटों की गिनती क्यों करें? हम गहलोत साहब आपने कई बार जिक्र किया अपने भाषणों में, मीडिया को लेकर आपने बहुत सारी बातें कही, आप वो आदमी हैं जो समझते हैं चौथा स्तंभ क्या है, पांचवा स्तंभ क्या है,
मेरा सवाल ये है कि ये चीजें ठीक कैसे होगी, एक एक नेता का भाषण 30 मिनट दिखाया जाता है और दूसरे का 30 सेकंड, एक चैनल को करोड़ों मिलते हैं, एक को 30,000 मिलते हैं, तो ये परिस्थितियाँ ठीक कौन करेगा, पॉलिसी कौन बनाएगा, मैनिफेस्टो पर जाना पड़ेगा इन सब चीजों, वरना ये परिस्थितियाँ बिगड़ती रहेंगी, ये जो परिस्थितियाँ हैं ये और खराब होती है। नहीं, बोले क्वेश्चन क्या, मेरा सवाल ये है कि ये परिस्थितियाँ ठीक कैसे होती है, कौन सी परिस्थिति पूछ रहा हूँ, जो मीडिया के अंदर जो चल रहा है, प्रिंट मीडिया में, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, एक एक व्यक्ति को आधे घंटे दिखाया चाहिए, एक को दिखाया 30 सेकंड, ये डिफरेंस कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक होगा, आप लोग ठीक करोगे, हम कैसे करेंगे, पॉलिसी बनाने वाली तो सरकारें होती है, सरकारें क्या कम जाए दिखाती है, आप लोग दिखाते हैं, लेकिन वो मजबूर है ना सर, वो चैनल मजबूर किससे है, मालिक ये चाह रहे हैं सर, मोदी जी को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कांग्रेस नेताओं या कोई और, ये नहीं सर, ये नहीं कहना चाह रहा, इनके बच्चे दुर्गा मुख्य नजर सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी ये बात मानते हैं कि मीडिया में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि ठीक होगा कैसे, ये मेरा सवाल, मीडिया वालों को मैं कहना चाहूंगा, आपने हिम्मत दिखाई है सर, कि चाहे मीडिया के मालिक हो, चाहे वो संपादक हो, चाहे एंकर हो, जो हालात ऐसे बने हैं वो चाहते होंगे निष्पक्ष रहना, अधिकांश लोग तब भी वो रह नहीं पाते क्योंकि वो उनको हमेशा डर रहता है इनकम टैक्स CBI ED का, ED ऐसी संस्था आ गई है जो पहले कभी हमने सुना नहीं था इस प्रकार से, तो आज इनकम टैक्स और ED जो है वो जिस रूप में बिहेव कर रहे हैं और CBI ऊपर से, उससे मीडिया वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, पॉलिटिशियन हो, सब घबराए हुए हैं क्योंकि चुन चुन करके बदले लेने की भावना से काम हो रहे हैं, चुन चुन करके हो रहे हैं, ये डेमोक्रेसी खतरे की बात हम क्यों करते हैं, आज तो शायद आप भी कितना मानोगे तो आप बदले जाने, पर मोदी जी की तरह लोग वापस आ गए सत्ता में तो आगे चुनाव होंगे भी नहीं भी होंगे, जैसे मैंने कहा चाइना के अंदर चुनाव भी होते हैं नहीं भी होते हैं, पहले तय हो जाते हैं कि कौन जीतेगा, ये बहुत खतरनाक बात है जो मैं कह रहा हूँ, मैं राजस्थान का प्रथम सेवक हूँ, तीसरी बार बना हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, तो मेरी जिम्मेवारी है मैं आगाह करूँ लोगों को, कितनी बात मानेंगे कितनी बात नहीं मानेंगे वो तो जनता पे निर्भर करता है, इंसान पे निर्भर करता है, पर हमेशा पॉलिटिशियन की ये भावना होनी चाहिए वो सच्चाई को रखी जनता के सामने, उसी से एक माहौल लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, उनकी ड्यूटी भी यही है, वो लिखते भी हैं, इतने आप आर्टिकल पढ़ते होंगे, एक से एक बढ़ करके आलोचना भी होती है, कोई तारीफ भी करते हैं, तो ये समाज का जो तबका है उसकी बड़ी जिम्मेवारी है, पर कशीदे पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है बढ़ चढ़ करके, क्योंकि 50 साल राज हम करेंगे, ये कहने की जरूरत क्या थी भाई, आप ये कहते हैं हम इस प्रकार शासन करेंगे जिससे कि जनता हमें बार बार चुने, जनता की भूमिका आप खत्म करना चाहते हो, चुनाव में जनता की मतदाता भूमिका समाप्त करना चाहते हो, ये मंत्रा निकली है अमित शाह जी के बोलने से, वो आप उनसे बात करेंगे, पीसी से देखते हैं। बीजेपी जो कैंपेन चला रहा है, मैं हूँ चौकीदार, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, गृहणियों को, आम जनता को होर्डिंग्स में शामिल किया गया है कि हम सब चौकीदार हैं, है ना, आप जनता के बीच में बचपन से रहे हैं, शुरू से रहे हैं, तो क्या आम जनता इस कैंपेन से कितना जुड़ पाएगी, कितना कनेक्ट महसूस कर पाएगी, ये न्यूनतम गारंटी वाली बात राहुल गांधी की है, इसके बाद में ये सब बातें पीछे रह गई, इसलिए मोदी जी को आना पड़ा TV में कहने के लिए कि तुमने हमारे उपग्रह ने क्या कर दिया है, इसको हम समझने की बात जरूरत पड़ेगी कि ये तमाम बातें पीछे रह गई है, ये स्कीम ऐसी स्कीम आई है जो आज़ादी के बाद पहली बार आ रही है, अब नरेगा भी होगा, RTE भी है जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे और किसी कौम के किसी जाति धर्म के या पिछड़े, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, रोटी कपड़ा मकान
कि जो थीम है ना वो इस स्कीम में लागू होने के बाद और मजबूत होगी। सर आपने भी ना परचेज कैपेसिटी की बात करी, ज्यादा जो खर्च करेगा उससे पूरा डिमांड एंड सप्लाई की चेंज शुरू, पर जब से डिमोनेटाइजेशन और जब से ये जीएसटी लागू हुआ है देश के अंदर आर्थिक हालात को तो किस तरीके से मानते हैं आप, की परचेज वाकई में लोगों कम हुई है या? देखिए ये जीएसटी कांग्रेस लेके आ रही थी, सिंगल टैक्स। आज भी राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम सिंगल टैक्स लाएंगे। सिंगल टैक्स में मल्टीपल टैक्स में लाने का फर्क है। ये परेशानी जो हुई है व्यापारियों को सबको, उसके कैलकुलेशन में भी और जमा करवाने में भी सब तरह से, इसीलिए हुई कि उन्होंने अपनी बड़ी ज़्यादा होशियारी दिखाई वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, और 4-5 तरह के टैक्स लगा दिए और कहने लगे संभव है क्या, एग्जाम्पल दिए गए कि चश्मे का जरा भी चश्मा पहना पाना कितने अच्छे लग रहे हो, और शर्ट का इनमें आप एक से कैसे कर सकते हो। तो वो जो उन्होंने कहा कि एक से कैसे हो सकता है, सिंगल टैक्स कैसे हो सकता है, धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। पिछले साल बढ़ते कितनी बार जीएसटी की मीटिंग करी, तमाम आइटम को ख़त्म कर रहे हैं और सिंगल टैक्स की तरह आ रहे हैं, क्योंकि उनको शर्म आ रही है एक साथ में झटके में कर दिए तो लोग क्या कहेंगे। तो राहुल गांधी की बात सच साबित हो गई, इसलिए जानबूझ करके वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं एक तरफ आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो एक टैक्स लगाएंगे, उसके अपने माइंड होते हैं। अभी तो टाइम नहीं, मैं आपको बताऊँ कि कैसे वो एक टैक्स होगा, क्या मतलब उस टैक्स के नीचे जितनी चीज़ें आएगी उन पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसका मतलब होगा इसमें 18 लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा उनके लिए। जीएसटी जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि व्यापारी को रिफंड्स तुरंत मिल जाया करेंगे। एक बात और है कि जो आपने जीएसटी नोटबंदी की बात करी, ये ऐसी मार है जो देश समझ नहीं पा रहा अभी तक भी। गरीब देखता है कि मोदी जी जो कर रहा मेरे लिए कर रहा है, नोटबंदी करी है तो अमीरों के पैसे खत्म कर दिए उसने, ब्लैक मनी खत्म कर दी। जो रोड हम लोग टैक्सी के क्या कार के डिक्के में ले जाते थे छूट में भर भर करके, एक झटके मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। ये जो भावना पैदा हुई गरीबों में, तो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी भावुक होकर के दी थी कि आप 50 दिन मुझे दीजिए मैडम, मुझे चला पे खड़ा करके करना जो करना था। तो आप बताइए मुझे आज कितना लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितना व्यापार ठप हो गया है, आज व्यापार चल नहीं पा रहे हैं। आज जो व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा हमारी लाइफ के अंदर। व्यापारी व्यापार ठप है उनके, कोई हालात बखान नहीं कर सकता उनको, ऐसी स्थिति व्यापारी है। बड़े बड़े आपके उनसे व्यापारी से बड़े छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दुखी हैं, जिन्होंने पैसा उधार दिया लिया है, जिसने लिया वो कहता मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं, जब होगा तो मैं दूंगा और ब्याज भी दूंगा। स्थिति यह है, कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, बार बार आ नहीं रही है, अंदर ही अंदर पूरा देश दुखी है। परंतु वो जो व्यापारी है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डरा हुआ, पता नहीं देश में होगा क्या, पता नहीं अगर हमने कुछ बोल दिया मोदी जी वहाँ पर आ गए तो फिर हमारी खेल नहीं है। ये जो भय सता रहा है लोगों को, इसलिए लोगों के मुँह पर ताले लगे हुए बोल नहीं रहे। जिस वक्त ये हो गया कि नहीं मोदी जी जा सकते हैं तो लोग सड़कों पे आएंगे, जो आज तक कभी नहीं आए वो भी सड़कों पे आएंगे, ये मेरा मानना है। हालात बहुत गंभीर है देश के। प्लानिंग कमीशन बनने से, देखिए प्लानिंग कमीशन आज़ादी के संग संग पंडित नेहरू के जमाने में बनी संस्थाएं हैं, उसी पे देश खड़ा है। मेरा मानना है कि ये सोशल मीडिया वरदान भी है अभिशाप भी है। सोशल मीडिया वरदान तो इस रूप में है कि अगर वो नौजवान पीढ़ी हिस्ट्री पढ़े देश की और दुनिया की, तो जिस रूप में ये कुछ संस्थाएं बनी हैं तो वो अपना आपकी उनकी पूरी पर्सनैलिटी में निखार आ सकता है। और अगर आप कुछ पढ़ो ही नहीं, खाली
मोदी जी बातें करते वो सुनते रहेंगे हम लोग, लच्छेदार बातें होती हैं, मार्केटिंग वाली होती है, तो हम लोग ताली बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, पर ना वो देश का भला कर सकते हैं ना दूसरे का भला हो सकता है। नींव जो देश की बनाई पड़ी ध्यान उस टाइम खड़े हैं, पाकिस्तान में नींव नहीं बन सकती उस वक्त, क्योंकि आज पाकिस्तान निर्भर है दुनिया के मुल्कों पर, आज हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। और मोदी जी अगर घमंड करते हैं दुनिया में जाकर के कि डेमोक्रेसी जो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में उसके वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है और नौजवानों को भी और सब कुछ कर रहा है, उसका श्रेय भी कांग्रेस हो जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनका श्रेय भी कांग्रेस हो जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र काल कांग्रेस ने रखा, 76 साल तक इंदिरा गांधी ने जान दे कर रखा है, और मोदी जी को सेल्फी लेना सिखाया है, वो भी आज तक लोकतंत्र कायम में 21st सेंचुरी में राजीव गांधी लेके आए देश को, इसलिए यहाँ पे उनको सिखाया, सेल्फी लेना सिखाया, ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी। सर मोदी जी आजकल रैलियों में एक चीज और कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, प्रेस में चल रही है। सर गांधी जी, गांधी परिवार पर और कांग्रेस पार्टियों पर जिस तरीके से आज भी उन्होंने एक रैली में कहा कि राजा महाराजाओं की तरह राज करती है कांग्रेस पार्टी, ये वो पार्लियामेंट चुनाव से पहले 14 में तब से मैं देख रहा हूँ परिवारवाद वंशवाद की बातें बोलते थे, आज तक वही बोलते आ रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी है, आज तक वोट जो है गुप्त मतदान से हुए हैं, अगर वो डेमोक्रेसी नहीं होती तो मैं सब बातें मानता जो मोदी जी बोलते भी, हाँ ये बोलते हैं कि डम होगा, वोट जब सीक्रेट होता है तब भी अगर कोई जीत के आते हैं तो उनको तकलीफ क्यों होती है। अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे एकजुट रहती है देश के अंदर, जब सोनिया गांधी ने एकजुट रखा, विश्वास हर कांग्रेस ने उनके ऊपर भी सबको साथ न्याय करेंगे, सब जाति धर्म भाषा बोलने वालों को साथ लेके चलेंगे, तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों होता है, ये हमारी पार्टी का मामला है, वो कौन होते कहने वाले। तो ये मोदी जी जो बोलते हैं पर उनका जनता में असर नहीं पड़ रहा, और मेरा मानना है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वो भी समझ रहा है कि सच्चाई किसके साथ में है। पर अमित शाह की 11 सभाएं राजस्थान के अंदर तय कर दी है, राजनाथ सिंह आ रहे हैं 7 सभाएं करेंगे, 8 सभाएं योगी आदित्यनाथ की भी रखी है, कांग्रेस नेताओं की सभाएं हमारी सभाएं तो लगातार चल रही, अभी अनुजा के आए और कल परसों वापस शुरू कर रहे हैं। पिछली बार इस बारे में भूल चुका हूँ, या मैंने पूरी मीडिया बता दिया। सर एक छोटा सा सवाल है, अचानक जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं फिर उनको टिकट भी थमा दिया जाता है, एंड टाइम पे दल चेंज करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वैभव गहलोत तो शरीर नहीं आते, मैं काम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उनका जवाब दे दिया आपके प्रश्न। सर राहुल गांधी 2 दिन पहले गाड़ी में पत्रकार को लेकर जाकर अस्पताल पहुंचाते थे, क्योंकि देखिए वैभव गहलोत को मैंने 2009 में टिकट नहीं लेने दिया पार्लियामेंट का, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लड़ना चाहते थे PYC प्रेसिडेंट का, राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष किया तो मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप जीतोगे तो लोग कहेंगे भाई ये मुख्यमंत्री बेटा जीतना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रदेश को अध्यक्ष बन रहे थे चंद्रबाबू के वक्त में, तभी मैं मना किया उनको, वही बात लागू होगी। जब मैं चुनाव हम लोग लूज कर गए 2013 में, तब मैंने कहा अब मुझे दिक्कत नहीं है, जब आप टिकट ले पार्टी जाना है आप जाना, उस वक्त नहीं मिल पाया टिकट तो भी मैंने कैंपेन शुरू कर दिया उसी दिन से। अगर मैं 2 दिन घर पर आराम भी कर लेता तो आप लोग लिखते कि वैभव को टिकट नहीं मिला इसलिए अशोक गहलोत नाराज होकर घर बैठ गए, तो मैंने आपको किसी को चांस दे दिया लिखने का, और रात को 11 बजे ट्रेन बैठा, सुबह जोधपुर पहुंचा, बीकानेर पोखरण पूरा दौरा किया। नहीं मैं निकल गया उसी रात को, निकल सुबह निकल सुबह रात को निकल गया था, तो भैया मैं कितना ध्यान रखता हूँ मीडिया का, ये बात क्या अचानक लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं दूसरी और टिकट भी मिल जाता है हाथ किया।
अपनी कितनी बातें करने कोई पोलिटिकल पार्टी वाले कोशिश करते महिलाओं को टिकट मिले, नौजवानों को मिले, सब बातें अच्छी है। तो विनिबिलिटी भी एक क्राइटेरिया उसके अंदर होता है और विनिबिलिटी क्राइटेरिया सब क्राइटेरिया भारी पड़ जाता है। महिलाएं 33% आए, युवाओं को टिकट मिले, सब बातें होती है हर पार्टी के अंदर, पर उसमें एक क्राइटेरिया विनिबिलिटी का भी है। इन सब क्राइटेरिया में विनिबिलिटी भारी पड़ती है, तभी तो आप कामयाब पाओगे। चाय पीना पड़ोसियों का एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तो सर पड़ोसियों से कुछ डिनर वगैरह पे कुछ चर्चा? मेरी बात का रिस्पॉन्स तो मैंने कुछ सुना नहीं उनसे। अभी चुनाव का माहौल है, कौन किसके वो पड़ोसी माने भैया। अभी तो तलवारें खींची हुई है सबकी, ईद के मैदान में सब लोग हैं। सर ये पहली बार होगा कि करंट सीएम के बेटे और एक्स सीएम के बेटे दोनों चुनाव मैदान के अंदर हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों के अलग अलग है पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में संभव के साथ पहली बार होगा। अभी तो पता नहीं, और ऐसे मोरे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।